हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में मैंने कंपनी फाइनल अकाउंट्स का आपको इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम सम स्टार्ट कर रहे हैं इसके। तो देखिए क्या दिया हुआ है हमें। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ सीमा लिमिटेड On 31st March 2017, prepare statement indicating assets of balance sheet as at 31st March 2017 as per Schedule 3 of Companies Act 2013. As per Companies Act 2013 हमें balance sheet बनानी है। इतना सम आपको 11 marks में आने वाला है। Now आपने points देखे कौन से हैं। करंट इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कैश, फिक्स्ड एसेट्स। तो ये सभी जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड की इन्फॉर्मेशन है। सो हम हेडिंग देंगे बैलेंस शीट ऑफ सीमा लिमिटेड एज एट 31st मार्च 2017 एसेट्स। हमें बनाना है पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट एंड एज ऑन 31st मार्च 2017। अब एसेट्स में टू मेन हेडिंग्स होते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ये मेन हेडिंग दिए हुए हैं, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, ये मेन हेडिंग है। नाउ करंट एसेट्स के अंदर आते हैं फिक्स्ड एसेट्स और उसमें आते हैं टेंजिबल इंटेंजिबल। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली हम देखेंगे। टोटल हमें 11 आइटम दिए हुए हैं जो हमें यहां पर लिखने हैं। नाउ सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स में आप देखिए तो आपको टेंजिबल दिए हुए हैं 560, देन फिक्स्ड एसेट्स इनटेंजिबल 120, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 26,000, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एसेट्स में आते हैं। लॉन्ग टर्म होंगे तो नॉन करंट में आएंगे और शॉर्ट टर्म होंगे तो करंट एसेट्स में आएंगे। एंड अदर नॉन करंट एसेट्स 18,000। तो ये हमारे नॉन करंट एसेट्स हो गए, ये लॉन्ग टर्म के एसेट्स होते हैं। अगर लॉन्ग टर्म में एडवांसेस हैं, एसेट्स हैं, तो वो हम नॉन करंट में लिखेंगे। नाउ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। नाउ करंट इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट दिया हुआ है 12,000 रुपीज, इन्वेंट्रीज 46,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 14,000, अदर करंट एसेट्स 7,200, ट्रेड रिसीवेबल 15,800 एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 16,000। इतना करने के बाद हम करंट एसेट्स का, नॉन करंट एसेट्स का टोटल करेंगे एंड करंट एसेट्स का टोटल करेंगे। फाइनली ये हो जाएगा हमारा टोटल ऑफ बैलेंस शीट, एसेट साइड का टोटल। अब मैं ये समझा दूं आपको नोट नंबर क्या होता है। देखिए फॉर एग्जांपल ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल यानी हमारे डेटर्स। तो एक डेटर तो नहीं होगा, सपोज करते हैं कि हमारे 100 डेटर्स हैं तो उसका एक नोट बनेगा, 100 डेटर्स की लिस्ट बनेगी। नोट मींस एक लिस्ट बनेगी
ऐसा ही सेम फॉर्मेट बनाकर हम ऊपर लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स और 100 डेटर्स का नाम लिखेंगे, हर एक डेटर से जितना पैसा लेना है वो लिखेंगे और उस लिस्ट को एक नंबर देंगे और वो नंबर यहाँ लिखना होता है ट्रेड रिसीवेबल में नोट नंबर और देन अमाउंट, ताकि ये पता चले कि टोटल ट्रेड रिसीवेबल इतने हैं और इनकी डिटेल चाहिए तो वो उस नोट में जाकर देखनी होती है। सेम कंपनीज में क्या होता है, देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं रिलायंस, टाटा, कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, अदानी, उनके कितने सारे फिक्स्ड एसेट्स होंगे, कितना लैंड एंड बिल्डिंग होगा, प्लांट एंड मशीन्स होंगे, फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स होंगे, तो उनके फिक्स्ड एसेट्स जो हैं टेंजिबल, उनका एक नोट बनाया जाएगा। ऐसा ही फॉर्मेट बनाकर जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होंगे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, सबका लिस्ट बनाकर टोटल करके यहाँ पर लिखेंगे। सो इसलिए नोट बनाया जाता है। सो आपको वो नहीं करना है, लेकिन ये नोट नंबर क्यों बनाते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो स्टूडेंट्स, इतना सम आपको 11 मार्क्स में आने वाला है, सिर्फ आपको फॉर्मेट लर्न करना है। एक बार फॉर्मेट लर्न कर दिया ना, बहुत ईजी हो जाएगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इस चैप्टर के सारे सम्स ऑलमोस्ट हम करेंगे, एक भी सम हम छोड़ने वाले नहीं है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 4। यह लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।